नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष नोटिया। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब अच्छे ही होंगे और अच्छे से सबका रिहा चल रहा होगा हमेशा की तरह। तो दोस्तों, आज का जो हमारा लेसन है वो है खेमटा दादरा, जो भी हम फास्ट स्पीड में थोड़ा बजाते हैं खेमटा टाइप का। उसमें आपने एक नया पैटर्न मैं आपको बताऊंगा जिसमें आप डबल बेस का यूज कैसे कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा वो लगता है बजाने में। आप उसका रियाज कैसे करेंगे और बीच बीच में म्यूजिक पार्ट में या फिर आप गाने के साथ भी कहीं कहीं पे इसका यूज़ कर सकते हैं, वो तो जब आप गाने सुनेंगे। ये तो पैटर्न होते हैं, सिर्फ पैटर्न आप जब सीख जाते हैं तो जब आप गाने सुनेंगे कहीं संगत करेंगे तो आपको खुद आइडिया लगने लग जाएगा कि हमने कहाँ पे किस चीज़ का यूज़ करना है। ठीक है, इसके लिए भी मैं एक प्रॉपर आगे आपको एक वीडियो ज़रूर बना के दूंगा कि आप मतलब गाने को समझे कैसे, कहाँ पे हमें क्या चीज़ बजानी है, कहाँ पर क्या नहीं बजाना है। इसके ऊपर मैं एक अलग से एक लेसन जरूर क्रिएट करूंगा, जरूर मैं एक वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगा जिससे आपको भी समझ में आए। फिलहाल इसमें जो पैटर्न मैं बताने वाला हूं, इससे पहले शायद मैंने नहीं ये बताया है, तो आप जरूर इसको देखें। इसके मैं बोल भी सारी साइड में लिख दूंगा और उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और गाने ज़्यादा से ज़्यादा सुने, दादरा का जो है खेमटा जिसमें बजा हुआ थोड़ा फास्ट स्पीड में, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पर क्या बजाना है। ठीक है, तो ये जो पैटर्न है इसके बारे में बात करते हैं। देखें, सिंपल खेमटा जैसे हम बजाते हैं वो मैं आपको पहले वीडियो बना चुका हूँ इसके ऊपर। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो कमेंट जरूर करें कि दोबारा से मैं इसको अपलोड कर दूंगा। इसमें सिर्फ मैं आपको पैटर्न बताने वाला हूँ, ठीक है, जो मैं अभी बजा रहा था डबल बेस का। सिंगल जो हम जैसे हम कहीं पर भी खेमटा बजाते हैं, जैसे कई सारे गाने देर ना हो जाए कहीं देर ना हो, इसमें तो खैर पैटर्न अलग टाइप का कुछ बजाया गया। इस तरीके से इसमें पैटर्न बजा हुआ है, लेकिन जो मैं बता रहा हूं वो अलग है। जैसे कि एक गाना है, वादिये इश्क से आया है मेरा सहजादा, उस गाने को अगर आप सुनेंगे तो उसमें यही वाला पैटर्न बजाया गया। ठीक है, अब हम ये बोल अगर हम बजा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। लाइट में अक्सर होता क्या है कि बेस का ज्यादा यूज नहीं होता है। ज्यादा का मतलब जैसे क्लासिकल टाइप में अगर हम इसको बजाएंगे या थोड़ा मतलब तो अलग से बजेगा, जैसे कि दादरा हो गया। ठीक है, अब इसको ऊपर स्पीड में हम बजाएंगे तो इतना अच्छा नहीं लगता है बजने में। ठीक है, अब वहां क्या है, पैटर्न चेंज हो जाता है। जैसे कि ये है, जैसे धिताता धिधाता, इसके बोल एक बार बता देता हूं मैं आपको। ठीक है, बोले धिताता धिधाता धिताता धिधाता, सिंपल है, दो बेस लगे हुए। सिंपल शुरू वाला जो धी है उसमें ऐसे सिर्फ, ठीक है, धिता ता धिधा ता, और धा जो है वो आगे स्लिप हो रहा है, सिर्फ इतना काम है। ठीक है, ठेका जो है मेन ठेका, धिता ता धिधा ता धिता ता धिधा ता धिता ता धिधा ता धिता ता, ये हो गया। ठीक है, धिता ता धिधा ता धिता ता धिधा ता धिता ता धिधा ता, धा स्लिप है। अब इसमें हमने करना क्या है, मेन जो हमारा पैटर्न है ये हो गया मेन बोल। अबे
एक बार फिर से देख लें, धित ता ता धित ता ता। इसमें हो क्या रहा है, शुरू वाला बे सिंपल लग रहा है धित ता ता, अभी धी और धा पे दोनों बार बेस स्लिप हो रहा है, ठीक है, धित धा धा धी धा, ठीक है, धित धा धा, फिर है धित ता ता धित धा धा, ये इसका मतलब बजने का टेक्निक है, ठीक है, धित ता ता धित धा ता धित ता ता धित धा ता धित ता ता धित धा ता धित ता धित धा ता धित ता ता धित धा ता धित ता ता से देख लें एक बार, धी ता ता, ठीक है, धी धी सिंपल है, इस चिपका के बजाना आपने, सर क्या, ठीक है, ये है धी ता ता धी, ठीक है, धी ता ता धी ता ता धी ता ता, पैटर्न जो है धी ता ता धी, धी पे स्लिप करना है और धा पे भी स्लिप करना है, दोनों बार सेम स्लिप जो है दोनों एक ही वजन में होना चाहिए, मतलब उनका वजन जो है बराबर रहे, ये नहीं कि एक पे ऐसा कर दिया एक पे ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं, उसका असली फीलिंग तभी आएगा बजने का जब आप दोनों बार सेम बराबर मात्रा में उसको स्लिप करेंगे और एक ही वजन बैलेंस वही रहना चाहिए, ठीक है, धित्ता ता 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 धित्ता, ये रहना चाहिए बैलेंस, फिर से देख लें एक बार, धित ता ता धित धा ता धित ता ता धित धा 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 ता, ठीक है, धित ता ता धित धा ता धित ता ता धित धा ता, ठीक है, अब इसको एक बार मैं बजा के दिखा देता हूं आपको बजेगा किस तरीके से, ये बजेगा देखते हैं, ये ठेका बज रहा है, इसी के बीच में हमने इसको बजाना है, ये था हमारा आज का लेसन और मुझे उम्मीद है आपको जरूर ही पसंद आया होगा, अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें और लाइक जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, जो नए दोस्त हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें, उससे आने वाली वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल पाएंगे, तब तक अच्छे से रियाज करें, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल तबला ढोलक सीखें को और दबाएं बेल आइकन भी, जिससे आप पा सकें हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले।